पबजी, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट खेलते खेलते हमारी बचपन की फेवरेट गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी का नाम ही हमने भूल गए, जिसके गेम यार हमारी फेवरेट हुआ करते थे। मेरे एंड्रॉइड फोन चलाना 2018 से स्टार्ट किया था, पर उससे पहले मेरे पास नोकिया मोबाइल थी, उसमें जावा गेम का सपोर्ट था और मैंने यार इस कंपनी का गेम खेला था, लाइक स्प्लिंटर सेल, असैसिन क्रीड, डेंजर डैश जैसे गेम खेली थी। उस टाइम में जो भी गेम डाउनलोड करता था यार, उस टाइम में मैं सर्च मार मार के यार इसी कंपनी का गेम डाउनलोड करता था, क्योंकि मेरे को बेस्ट लगते थे इस कंपनी के गेम। सो आज की इस वाली गेम में हम डिस्कस करने वाले बचपन की एक फेवरेट गेम इन डेवलपमेंट कंपनी गेमलॉड की रेज एंड फॉल के बारे में। सो आपको इस कंपनी की रेज एंड फॉल के बारे में जानना है तो ये वीडियो को एंड तक देखना। सो इस गेम की डाउनफॉल के बारे में जानने से पहले इस गेम की हिस्ट्री और राइज की बात करते हैं। गेमलॉड एक फ्रेंच वीडियो गेमिंग डेवलपर एंड पब्लिशर है, जिसकी शुरुआत होती है 1999 में और इसकी शुरुआत करती है माइकल ग्यूलमेट और उसकी बहन, और माइकल ग्यूलमेट यूबीसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर भी है। इनिशियल टाइम में गेमलॉड कंपनी ने मोबाइल गेमिंग पे फोकस की, क्योंकि उस टाइम में ज्यादा कुछ मोबाइल गेमिंग कंपनी की स्टैब्लिश नहीं हुई थी। अर्ली 2000 में गेमलॉड कंपनी ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी, क्योंकि उस टाइम में उसने गेम लाइक एसफॉल्ट, मोटर कॉम्बैट, डंजन हंटर जैसे गेम पब्लिश की थी, और उस टाइम में ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और इसकी वजह से गेमलॉड कंपनी को काफी अच्छा सा रेवेन्यू मिला, और गेमलॉड कंपनी एक नई कंपनी थी, उसको एक अच्छी सी पॉपुलैरिटी भी मिली। और उसके बाद गेमलॉड कंपनी ने वैरायटी ऑफ गेम बनाए, उसको पब्लिश भी किए, और कुछ कुछ गेम तो फेमस हुए थे पर कुछ गेम को यार अभी तो नामो निशान नहीं है। और गेमलॉड कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज गैंगस्टर सीरीज को कौन भूलता है भाई, और ये सीरीज मेरी फेवरेट सीरीज है। और ये कंपनी की और भी गेम लाइक नोवा की सीरीज, आयरन मैन की सीरीज, स्पाइडर मैन की सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। पर दुख की बात है कि यार ये गेम अभी प्ले स्टोर में नहीं है। सो मेन पॉइंट की बात करें तो गेमलॉड कंपनी की डाउनफॉल की मेन रीजन है गाइस, इस कंपनी ने प्ले स्टोर से काफी अच्छी अच्छी गेम को रिमूव कर दिया, लाइक स्पाइडरमैन अनलिमिटेड, हीरो ऑफ बॉर्डरलैंड्स, और भी काफी ज्यादा गेम को यार प्ले स्टोर से रिमूव किया गेमलॉड कंपनी ने, और काफी ज्यादा प्लेयर को यार बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि यार जो उनकी फेवरेट गेम है उनको प्ले स्टोर से रिमूव किया तो यार उनको कैसा लगेगा। गेमलॉड कंपनी ने स्टार्टिंग में काफी ज्यादा पॉपुलरिटी तो गेन की और अच्छी सी रेवेन्यू भी कमाई, पर बाद में क्या हुआ कि यार काफी ज्यादा गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी यार हुई, उसके बाद यार काफी ज्यादा फ्री टू प्ले गेम भी उन कंपनी ने रिलीज करने लगी, और गेमलॉड कंपनी उनके साथ कम्पीट कर नहीं पाए यार, अभी उसका डाउनफॉल चल रहा है। पर यार उनका एक अच्छा सा गेम आ रहा है गाइस, गैंगस्टर न्यूयॉर्क, उसका गेम प्ले और टीजर तो बहुत ज्यादा ओपी है गाइस, देखते हैं गाइस ये गेम यार उनको यार कमबैक करने के लिए हेल्प करता है कि नहीं। सो यही थी गाइस हमारी बचपन की फेवरेट गेमिंग कंपनी गेमलॉड की रेज एंड फॉल के बारे में, और कुछ भी कहो हमारी गेमलॉड कंपनी इज इमोशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।